क्या आप लोगों को रेगुलरली बोन्स में दर्द रहता है, बैकएक की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, या फिर आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है? हो सकता है आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम डॉक्टर आदिति फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ विटामिन डी एंड कैसे हम उसे होने वाली, उसकी कमी से होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि विटामिन डी क्या है। विटामिन डी, इट इज़ कॉल्ड एज अ सनशाइन विटामिन ऑल्सो एंड इट इज़ अ प्रो हॉर्मोन एंड इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन जो हम सबके लिए रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम उस ज़रूरत को अगर पूरा नहीं करते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम से हम सफ़र करते हैं, जैसे कि बोन्स की प्रॉब्लम, बैकएक की प्रॉब्लम, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ना हो पाना, या फिर मस्कुलर प्रॉब्लम, या फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लो होना, और या फिर हमारे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाना, और या फिर इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम, और जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम होना जिसकी वजह से डायबिटीज तक होने के चांसेस हो जाते हैं। अब अगर ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में कमी होने लगेगी विटामिन डी की, तो इससे रिलेटेड हमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। इससे होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि जॉइंट पेन्स होना, या फिर बहुत रेगुलरली हमें बैकएक होना, या फिर हमारी बोन्स की डिफॉर्मिटी जैसे कि रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस, या फिर अर्थराइटिस, या फिर लो इम्यूनिटी होना। ये सब प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डायबिटीज, इट कैन हैपन ओनली ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ये पता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में हो जाएगी, तो अब हमें ही कॉम्पेंसेट करना है इसे। तो उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम विटामिन डी की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह के लोग हैं, उनके लिए क्या रिचेस्ट सोर्स है, जिसके लिए हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे विटामिन डी इज कॉल्ड एज अ सनशाइन प्रोटीन, सनशाइन विटामिन, तो हम अगर अल्ट्रावायलेट रेस में 5 से 10 मिनट तक भी हमारी अगर स्किन एक्सपोज होती है, तो उस एक्सपोज होने के कारण हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज करने लगता है। तो अगर चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप 5 से 10 मिनट एक क्लियर सन में आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छी मात्रा में हमारी डेली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से विटामिन डी मिल जाता है, जो कि हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और अगर डेफिनेटली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो हमारी बॉडी में बोन्स स्ट्रेंथ, हमारी टीथ स्ट्रेंथ, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। फूड सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। पहली सोर्स जो वेजिटेरियंस के लिए, जैसे प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स में जैसे सोयाबीन है, मशरूम है, इसमें बहुत नॉमिनल, बहुत मिनिमल मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अगर हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे मिल्क है, घी है, बटर है, चीज़ है, ऐसी चीज़ों में हम कुछ हद तक हमें विटामिन डी मिल सकता है। अगर हम रिच सोर्स की बात करते हैं विच इज़ बेसिकली फॉर दी नॉन वेजिटेरियन पीपल, तो फिश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल, या फिर एग योक, और या फिर जो ऑर्गन मीट स्पेशली लिवर, ऐसी चीज़ों में विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सो घबराइए नहीं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और अपने विटामिन डी को कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट आपके पास सन रेज हैं विच इज़ गिवन बाई दी नेचर, सो यू हैव टू यूटिलाइज इट वेल। सेकेंडली, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप अगर फोर्टिफाइड फूड जैसे कि आपके बहुत सारे सीरियल मार्केट में आते हैं, ग्रेन्स होते हैं, या फिर मिल्क होते हैं जो विटामिन डी, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑयल्स होते हैं जो कि फोर्टिफाइड विद विटामिन डी है, इफ़ यू वुड बी कंज्यूमिंग इन योर डाइट, सो डेफिनेटली यू वॉन्ट बी डेफिशियंट इन विटामिन डी। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी सेफ।